दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों एक बार फिर तो दिल्ली के लॉकडाउन लगा दिता गया। दस दिए कि अरविंद केजरीवाल ने संबोधन करते हुए कहा कि दिल्ली के 6 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली के टेस्टिंग भी वधाई जा रही है। उन्होंने दसिया कि पिछले 24 घंटे दे विच दिल्ली च 23,500 केस सामने आया है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि रोजाना 25,000 के करीब नवे कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बनिया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना ते सानू सबनू मिल के काबू पाने की लोड़ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दे विच ऑक्सीजन बैडा ते दवाइयां दी कमी हो रही है, जिसनू देखते हुए इसनू ठल पाउण दी जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली दे विच कोरोना दी चौथी वेव चल रही है, जो कि ज़्यादा खतरनाक है। इस दे चलते अज रात 10 बजे तो अगले सोमवार सवेरे 5 बजे तक 6 दिन दे लई दिल्ली दे विच लॉकडाउन लगा दिता गया। मुख्यमंत्री ने इस दे विच लोगों नू सहयोग देण दी भी अपील की है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा है कि इस लॉकडाउन दे विच जरूरी काम जारी रहेंगे। ब्याह शादी समागम दे विच 50 लोगों नू जाण दी ही इजाजत होवेगी। सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हों, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी।